मेरा नाम जितेंद्र गौड़ है। मैं नगर परिषद कररा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करता हूँ। मुझ पर जो वर्तमान में आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गलत तरीके से हितग्राहियों के खाते में डालकर गमन किया गया है, ये आरोप मुझ पर गलत लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि डालने का कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जाता है। यह कार्य शाखा प्रभारी श्री सौरभ बिंदल बाबू जी द्वारा किया जाता है। उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि डाली जाती है। शासन द्वारा जब इनसे जानकारी मांगी गई तो इनको लगा कि ये लोग फंसने वाले हैं, तो इन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया, क्योंकि अन्य भुगतान मतलब नगर पालिका के अन्य भुगतान मेरे द्वारा किए जाते हैं, एवं सौरभ बिंदल बाबू जी द्वारा कुछ हितग्राही मतलब हितग्राहियों के खातों में जो पैसे डाले गए थे उनमें से कुछ हितग्राहियों से पैसे मेरे द्वारा मंगवाए गए हैं। जो सारे पैसे लाकर मैंने सौरभ बिंदल बाबू जी को दिए हैं, इनके द्वारा मुझसे कहा गया था कि ये पैसे इनके खाते में गलत तरीके से चले गए हैं, ये पैसे लाकर सीएमओ साहब को देना है, और ये सारे तेरे परिचित के आसपास के तेरे मोहल्ले के हैं, इसलिए तू इनसे पैसे ला सकता है। और इस साजिश में सौरभ बिंदल बाबूजी के साथ मुजीबुर रहमान कुर्रेशी एवं अंकित गुप्ता भी शामिल हैं। इनके द्वारा ही साजिश कर सीएमओ साहब से मिलकर मुझे फंसा दिया गया है, और इनके द्वारा मुझे ये धमकी दी जा रही है कि जितेंद्र जो जवाब हमने बनाया है तुम उस पर साइन कर दे, नहीं तो हम तेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर देंगे और पुलिस वालों से कहकर तुझसे सारा इल्ज़ाम कबूल करवाएंगे कि ये सब तूने किया है। हम उन हितग्राहियों से भी शपथ पत्र पर लिखवा के ले लेंगे जिन हितग्राहियों से पैसे हमने तेरे हाथों से मंगवाए हैं, और इन्होंने सारे सबूत मेरे ख़िलाफ़ तैयार कर लिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इस झूठे अपराध से बचाने में मेरा सहयोग करें।